तो आज की क्लास में हम टैबलो की लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी। जैसे यहाँ पे आपके पास तीन चार चीजें, सबसे डेटा सोर्स है जहां पे आप डेटा को हैंडल कर, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हमने बनाए हुए हैं, फिर इन डिफरेंट डिफरेंट शीट्स को मिला के आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं डैशबोर्ड। क्या बनाते हैं? डैशबोर्ड। अब यहां हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी। अब इस स्टोरी स्टोरी पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले यहां पे आप टाइटल्स, आपका स्टोरी वन है दिख रहा होगा। अब इसको मैं चेंज करता हूं, फिर मैंने यहां पे लिखा HR डैशबोर्ड, डैशबोर्ड 2021 2024, और इसकी थोड़ा सा कलर कर देता हूँ यहाँ से, मैं ब्लू बोल्ड और साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देन अप्लाई, देन ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है एड कैप्शन। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि HR डेटा 2024 विथ सेल्स एंड सम, सेल्स एंड 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 सैलरी। थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहे तो इस तरह से इसको ड्रैग करके बड़ा कर। छोटा भी कर सकते हैं। ओके, एंड यहां देखिए क्या है कि जब डैशबोर्ड आप क्रिएट करते हैं तो डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ आप इनरोल कर सकते हैं अपने वर्कबुक, जो भी आपने विजुलाइजेशन अलग अलग बनाया है वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी में आप दोनों कर सकते हैं, डैशबोर्ड को भी रख सकते हैं और आपके अलग अलग विजुलाइजेशन को भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं डैशबोर्ड वन को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना है तो डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ और डैशबोर्ड बना सकते हैं, डैशबोर्ड 2024 यहाँ पे आ। यहाँ पे इस तरह से कुछ टैक्स अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे इस तरह से टैक्स को इनरोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ एक और मान लीजिए विजुलाइजेशन बना रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे कस्टमर रेट एम्प्लॉय यहाँ पे डिपार्टमेंट बाय कस्टमर रेट का चाहिए, और इस बार मैं इसको इस तरह से मैंने ले ली और यहाँ मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कुछ और करना चाहे तो इसको हम कर सकते हो, यहाँ पे इंटायर व्यू पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इस जो डैशबोर्ड 4 है ना, अब इसको मैं इस डैशबोर्ड में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं स्टोरी में डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी में यहाँ पे आ गया, तो इसको लेके आप नीचे यहाँ पे डाल सकते हो। चलिए तो रिप्लेस हो गया। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हाँ, जैसे नहीं समझे आपको, मान लीजिए कि कई सारे, देखिए समझिए क्या होता है, कई सारे शीट्स को मिला के हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं। ठीक है, और डैशबोर्ड के अंदर जो है थोड़ी सी लिमिटेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह एंट्री करना चाहूँ या डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ तो ये चीजें नहीं डाल सकता मैं यहाँ। ठीक है ना, स्टोरी के अंदर में हम क्या करते हैं, कई सारे डैशबोर्ड, सिंपल समझिए ना कि हम कई सारे शीट्स को मिला के डैशबोर्ड बनाते हैं और कई सारे डैशबोर्ड को बना के हम स्टोरी बनाते हैं, समझे? कई सारे डैशबोर्ड को मिला के हम स्टोरी बनाते हैं, सिंपल से बात। और स्टोरी में ही एक और फायदा होता है, जब ये प्रेजेंट होता है तो इसका एक अलग ये होता है, चीजें होती है, और दो तीन डैशबोर्ड को मिला के एक प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती है, एक तरह से डैशबोर्ड ही समझिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे मान लीजिए सीट 4 को मुझे रखना,
ये रिप्लेस हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है। एक मिनट मैं डैशबोर्ड हटा देता हूँ, ऐसा। अब इस पे मैं अगर डैशबोर्ड रखू, नहीं ये रिप्लेस ही होगा सर। इसमें एक डैशबोर्ड रखते हैं और डैशबोर्ड के बाद इसमें अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, बेसिकली इसका यूज प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और देना है कि डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिपार्टमेंट बाय सीटीसी ईयर 2024, ठीक है। अभी आ गया, और ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। पहले से बनी हुई, अगर किसी ने आपको पहले से डैशबोर्ड बना के भेजा है और उस डैशबोर्ड को मुझे आगे प्रेजेंट करना है, तो मैं उसकी डैशबोर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, उस डैशबोर्ड को मैं स्टोरी पे लाऊंगा और यहाँ पे अपने कमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट जो भी है मैं यहाँ पे डालू। सिंपल सी बात समझ, स्टोरी का यही यूज होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टाइटल शो करना है, यहाँ पे टाइटल आता है, इसके बाद स्टोरी का है। तो स्टोरी में और कोई खास यहाँ नहीं है। हाँ, इसकी अगर हम ब्लैंक करें, ब्लैंक आएगा, डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट आएगा। इसका लेआउट है, इसमें अगर मुझे इसकी लेआउट को अगर नंबर्स कर देना है, नहीं तो कैप्शन बॉक्सेस है, नंबर्स कर देंगे तो नंबर्स में आएगा, डॉट्स कर देंगे डॉट्स में, एरो ओनली आएगा तो सिर्फ एरो आएगा। तो जब इसको हम रिपोर्ट को बाहर निकालते हैं ना, इसको टेबल वर्कबुक पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कैप्शन नंबर कर देंगे तो देखिए हट जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे, ये लेआउट से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी की और की बनाई हुई जो डैशबोर्ड्स हैं उन डैशबोर्ड को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर अपनी स्टोरी वगैरह यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टोरी का समझिए क्या है, यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टोरी बनाया, एक स्टोरी क्रिएट किया। अब इस स्टोरी के अंदर में सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इसमें यहाँ हम टाइटल्स लेते हैं। मान लीजिए टाइटल अगर देना है दे दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए डैशबोर्ड 2024, ओके। अब यहाँ मुझे यहाँ पे स्टोरी में आप आइएगा तो यहाँ आता है आपका कॉपी इमेज, नहीं फिर फॉर्मेट आया, शो टाइटल आया। इसमें एक होता है इंपोर्ट इमेज करना, यहाँ हम इमेज वगैरह भी ला सकते हैं आसानी से। इसे चेंज कर दिया, पहले कुछ और था। एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमने दिया डैशबोर्ड और यहाँ हमने डैशबोर्ड को यहाँ रख दी, यहाँ आया। अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे जो है इंसर्ट करेंगे, इस पे क्लिक करने पे डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पे मुझे एक और इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नए स्टोरी पॉइंट पे आता हूँ, ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ
और यहां पे मान लीजिए हम CTC दिया। अब इस CTC में सीट फोर को ऊपर रखेंगे, तो देखिए सीट फोर आ गया। देन अगेन यहां पे मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा। यहां पे अब जैसे कि यहां पे मैं अपना टारगेट देना चाहता हूं, तो मैं यहां पे अपना टारगेट डालूंगा और इस टारगेट के ऊपर इसको उठा के यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं एक काम और करना चाहता हूँ, ये हो गया हमारे। इसमें क्या होगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डैशबोर्ड दिखेगी। मैं CTC पे क्लिक किया तो मैं सिर्फ CTC दिखा, टारगेट पे क्लिक किया तो सिर्फ टारगेट में। अब टारगेट पे आता हूं मैं, इसको इंटायर यहां पे उठा के इंटायर व्यू पे क्लिक कर देता हूं, तो ये स्टोरी व्यू पे आपका इंटायर व्यू आया। इस तरह से स्टोरी पॉइंट हम क्रिएट करते हैं, मतलब कई सारे डैशबोर्ड्स को और कई सारे इसको क्या बोलते हैं सीट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे हम अपना टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे कमेंट्स वगैरह भी है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सुंदर समझ में आया कि इसका स्टोरी का यूज होता है। हेलो, अच्छा अब इसमें मान लीजिए कि मैं एक और यहाँ पे, मैं लास्ट टाइम में बताया था फाइल यहाँ डेटा में नहीं, वर्कशीट, न्यू वर्कशीट था, वर्कशीट पे इस पे आता हूँ, फाइल पे आता हूँ, और यहाँ पे था हमारा रिवर्स सेव इंपोर्ट वर्कबुक, और मैंने इंपोर्ट वर्कबुक में किया था डी ड्राइव में, ओबीएस के अंदर में नहीं। हाँ, इसको लिया एंड ओपन, इसके बाकी आ गया। तो एक डैशबोर्ड तो ये रहा, दूसरा डैशबोर्ड हमारा, अच्छा ये तो ये सेम फाइल को ही मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं, हम दूसरा एक डैशबोर्ड यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, तो इम्पोर्ट वर्कबुक ओबीएस के अंदर में हम देखते हैं क्या ये था, HRD। यहाँ पे एक डैशबोर्ड और आ गया, तो मुझे मान लीजिए कि मेरे पास जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे कई सारे शीट्स हो गए, यहाँ पे सीट वन हो गया, टारगेट हो गया, ये हो गया, डैशबोर्ड हो गया, एक डैशबोर्ड ये हो गया और दूसरा डैशबोर्ड हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिख दिया HRCTC, और इस डैशबोर्ड को मैं लिखता हूँ यहाँ पे HR Sales। दो डैशबोर्ड्स हैं, तो कई सारे मेरे पास शीट्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी पॉइंट बनाना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि इस रिपोर्ट को किसी को भेजूंगा तो हर किसी को इस तरह से वन बाय वन जो है रिपोर्ट्स को देखना हो, राइट? तो अपने हिसाब से जो देखना चाहे वो देख सकता है। बट मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनाना है कि मेरे हिसाब से वो रिपोर्ट को देखे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ऐसे केसेस में यहाँ पे स्टोरी को क्रिएट करते हैं। अब स्टोरी क्रिएट करने के पहले यहाँ पे आप सबसे पहले स्टोरी टू करके आता है, टाइटल है, अगर टाइटल रखना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से शो टाइटल पे अनचेक कर दीजिए तो आपका हट जाए। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स CTC डैशबोर्ड 2024, और यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। बाकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये आपका बटन्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे HRCTC। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करना चाहे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको, और इसके ऊपर एडिट हाइट वगैरह में आपने फिक्स कर सकते हैं कि हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ स्टोरी में इसका फॉर्मेट है, अगर हम फॉर्मेट पे क्लिक करें तो इसकी फॉर्मेटिंग आती है कि सेडिंग क्या होना चाहिए, तो मैंने ब्लू किया, सॉरी एक मिनट, पूरा ले लिया। नहीं, नेविगेटर में नहीं, टाइटल कर रहा है,
बाकी टेक्स ऑब्जेक्ट नहीं, शिफ्टी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अब यहां पे मैं अपना जो एचआर, इसलिए कट करता हूं, ये जो एचआर सीटीसी है, इस एचआर सीटीसी को उठा के ड्रॉप कर दिया, यहां पे सीटीसी रिपोर्ट आ गई। अब इसी को, इस पे क्लिक करके यहां पे ब्लैंक आता है, ब्लैंक पे क्लिक किया तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं अपना एचआर रिपोर्ट जो है सेल्स का है, और इस पे मैं सेल्स वाला डैशबोर्ड रखना चाहता हूँ। तो सेल्स डैशबोर्ड या एचआर सेल्स से उसको उठा के मैंने यहाँ इसके ऊपर, या यहाँ भी कर सकते हैं, या इसके ऊपर कर सकते हैं, ड्रैग कर दिए, ये आ गए। सॉरी, ये तो एक अलग एरर हो गया, उसको यहाँ पे एचआर सेल्स, ठीक है। तो इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एचआर के सीटीसी रिपोर्ट दिखेगी, इस पे क्लिक करूंगा तो एचआर का सेल्स रिपोर्ट मुझे दिखेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एचआर सीटीसी रिपोर्ट तो सही दिख रहा है, पर एचआर सेल्स रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये छोटा हो गया रिपोर्ट, सो थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहां से आप जो है मुझे विड्थ को बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे विड्थ, हाइट बड़ा कर रहा हूँ, गिरते हैं ना, ठीक है। अब सीटीसी पे क्लिक करता हूं तो सीटीसी रिपोर्ट आएगी, एचआर पे क्लिक करता हूं एचआर की रिपोर्ट आएगी, ओके। उसी तरह से अब इसमें मान लीजिए मुझे तीसरा कुछ रखना है, इससे मुझे मान लीजिए इस पे जो है अपना जो है यहाँ पे आपका कुछ रिपोर्ट, जैसे सीट फोर है हमारा, सीट फोर का रखना है, तो मैं यहाँ एक और ब्लैंक, इस पे क्लिक करके एक और ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो एक और यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसकी जो है विड्थ को मैं कम कर देता हूँ, तो बहुत ज्यादा विड्थ हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीट फोर को रख देता हूँ, सीट फोर आ गया। अब यहाँ पे जो एड ऑन का नाम है, इसके जगह पे लिख देता हूँ सीटीसी, क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब इसके अंदर कोई चेंज करना है तो यहाँ पे की जैसे मैं सीटी, यहाँ पे मुझे ये क्या है मेरा रेट है, सॉरी यहाँ पे ये रेट था ना, सीटीसी लिख दिया यहाँ पे रेट था। तो यहाँ पे मान लीजिए सीटीसी को उठा के मैं इसके लेवल पे डाल दिया, तो अब हर किसी के सीटीसी यहाँ पे दिख रहा है, किस रेट पे क्या सीटीसी आया है, तो यहाँ भी अपना चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा चीज, मान लीजिए कुछ ऐसी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है कुछ ऐसे चीजों पे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया ना हु है, ठीक है ना, और यहाँ पे आता है वेन हु एंड यहाँ पे एटिशन रेट है यहाँ, राइट, और यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय है, यहाँ पे एडिशंस है, और यहाँ पे आपका मंथली रेट है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि मंथली यहाँ पे एट्रिशन रेट, मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ जो कि मेरे डैशबोर्ड में नहीं है। लाइक इसको भी क्लिक, इसको क्लिक करके मैं यहाँ रखू, यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी ऐसा, तो ये आएगा, फिर इसको उठा के यहाँ पे इस तरह से मर्ज करना है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ऐसे केसेस में हम अपने डैशबोर्ड को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड सही तरीके से बना हुआ है, इसको छेड़छाड़ नहीं करके स्टोरी पॉइंट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया टैक्स पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ कि मंथली एट्रीशन रेट एंड ओके कर दिया। कहा अच्छा ऊपर यहाँ आ गया, तो इसको उठा के आप यहाँ पे आराम से कीजिए, ठीक
इसकी भी ये आपका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शंस है, इसकी फॉर्मेट कर सकते हैं कि सेंटर में ये लेफ्ट होना चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए, ये कर सकते। इसकी कलर वलर चेंज नहीं करते, कलर जो आएगा वही है। आप देख सकते हैं इसकी कलर चेंज करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें। सेटिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसे मैं ब्लू कर दूं तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन पहले हो जाएगा, देख सकते हैं बोर्ड देख सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन को इसमें डाल सकते हैं। बाकी स्टोरी वाले मैप में फॉर्मेटिंग, पूरी स्टोरी पेज की फॉर्मेट करने का ऑप्शंस, कॉपी इमेज, इसको इमेज की तरह कॉपी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इमेज, इसको एक्सपोर्ट की तरह की इमेज को हटा सकते हैं, क्लियर पूरा साफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो टाइटल, टाइटल को शो कर सकते हैं, और यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो बटन है, ये जो दिख रहा है आपको, इस बटन को रख सकते हैं, और कुछ खास नहीं, ये बटन को बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, समझे? कोई दिक्कत है स्टोरी में आपको? सुरिंदर जी, अभिषेक जी, समझ में आया कि स्टोरी क्या करता है? सर ठीक है, सर तो स्टोरी में कोई ऐसा खास नहीं है। तो आप पूरी प्रोसेस को समझिए क्या होता है। डेटा सोर्स में जाके सबसे पहले आपने डेटा को ऐड करना है, डेटा को अपने हिसाब से सेट करना है, डेटा को कैलकुलेट करना है, राइट? देन आपको जो जो विजुलाइजेशन में, जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, उस रिपोर्ट में जो जो चीज की जरूरत है, उसको सीट बाय सीट आप क्या करेंगे, यहाँ पे तैयार करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड पे उसको अरेंज करेंगे। आप अरेंज करते समय कई सारे फॉर्मेटिंग, कई सारे ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट मैंने आपको बना के दिखाया था, याद होगा। उसके बाद आप जब कई सारे ये हो गए, अब आपकी एक डैशबोर्ड है, अब उसी डैशबोर्ड को प्रेजेंट करना है, दैट इज कुछ नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। बट समटाइम क्या होता है कि हमें जो डैशबोर्ड मिला है, उस डैशबोर्ड पे अलग अलग तरीके का कई सारे डैशबोर्ड्स बनाए हैं, और उसको मुझे मुझे एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है। तो सिर्फ फाइल अगर मैं दे दूंगा तो प्रेजेंट करने में होगी प्रॉब्लम। सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं स्टोरी लाइन, जहां पे अपने बटन, अपना सीक्वेंस, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रखते हैं, ताकि यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो यही हमारा टेबलो का वर्किंग प्रोसीजर है। तो आपको